सब्सक्राइब कीजिए फोन एडवाइजरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फोन एडवाइजरी, मैं हूं मनोज मेहरा, पेश है मेरा न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस जियो ने आज उनके दो नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं जिसे नाम दिया है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2018। कुछ ही दिन पहले एयरटेल ने 199 में उनका प्लान लॉन्च किया था। 28 डे का वो प्लान था जिसमें आपको पर डे 1 GB डाटा मिलता था और कॉलिंग अनलिमिटेड थी। तो उस प्लान के जवाब में जियो आज अपने दो नए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन दोनों ही ऑफर की सभी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो पहला प्लान है वो है 199 रुपीज। 199 कीमत में आपको पर डे 1.2 GB डाटा मिलेगा, साथ ही आपको फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS पर डे मिलेंगे और जियो की सभी सर्विस फ्री रहेंगी। इस प्लान की वैधता है दोस्तों 28 दिन की। 28 दिन में आपको 1.2 GB के हिसाब से लगभग 34 GB का डाटा मिलेगा। इससे पहले 149 का जो प्लान आता था वहां आपको 28 दिनों में 2.4 GB का डाटा मिलता था जो काफी कम पड़ता था। पहले 149 के बाद डायरेक्ट 309 का प्लान था, बीच का कोई प्लान था ही नहीं। तो ये जो प्लान आया है काफी अच्छा है। अगर आप एक बड़ा रिचार्ज नहीं कराना चाहते, आपका बजट कम है, तो ये रिचार्ज आपके लिए काफी अच्छा है। कुछ लोग बड़ा रिचार्ज इसलिए नहीं करते कि अगर वो 3 महीना रिचार्ज कर लेते हैं और 1-2 महीने बाद कोई नया ऑफर आ गया, पहले से सस्ता ऑफर आ गया, तो उसके लिए वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये प्लान उन सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, जो अगला प्लान है वो है 299 रुपीज। 299 कीमत में आपको 2 GB का डाटा मिलेगा पर डे 28 दिनों के लिए, लगभग 56 GB का डाटा आपको यहाँ मिलेगा, साथ ही फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और ऑल जियो सर्विसेज फ्री मिलेगी। अगर आपका डाटा यूसेज ज्यादा है तो आप डेफिनेटली इस प्लान का यूज कर सकते हैं। इससे पहले 509 का रिचार्ज आता था जिसमें आपको 56 डे के लिए 2 GB डाटा मिलता था। तो दोस्तों, अगर आप इतना बड़ा रिचार्ज नहीं कर सकते तो आप 299 का रिचार्ज कर सकते हैं अगर आपका डाटा यूसेज ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आपको 2 GB डाटा मिलता है और याद रखे वैधता 28 दिन के लिए ही है। आप इन दोनों प्लान में कंफ्यूज मत होइए। कई लोगों को यूं भी लग रहा होगा कि 199 में 1 महीने का है, 299 में 2 महीने का, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही प्लान 1 महीने के लिए है, 28 डे के लिए है। 199 में 1 GB डाटा पर डे मिलता है, 299 में आपको 2 GB डाटा मिलता है। दोस्तों, दोनों ही प्लान यूजर की अपनी जो उनकी जरूरतें हैं उनके हिसाब से है। अगर आपको 1 GB डाटा चाहिए कम प्राइस का चाहिए तो 199, और अगर आपको ज्यादा डाटा चाहिए और कम प्राइस में चाहिए तो 299। इन दोनों ही प्लान संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।